कहाँ चल रहा है यार। अच्छा डिवाइस क्यों हट जा रहा है बार बार? ध्यान, तुम आईपैड में वो खोल रहे हो क्या बार बार, वैकॉम स्पेस? मेरे पेयरिंग कैसे हट जा रही है बार बार? सॉल्व हो गया था। 2 मिनट रुको, मैं अपना कनेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। क्या हो अरे रे, हाँ एक मिनट रुक जा, तुम मैं जा रहा है। कहाँ चल रहा है? व्हाट इज रॉन्ग यार, क्या चल रहा है यार? कर तो दिए यार, फुल हो रहा है।
तो रहा है यार, दिक्कत नहीं है। सुनो मैं थोड़ी देर में वापस ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? तुम्हारा क्वेश्चन हो गया है क्या? नो सर। यस सर। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लिख लो ना। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बोर्ड पे पढ़ा दिया। हाँ यार, ये कुछ तो ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा अजीब सा हो रहा है यार। फिर तुम क्वेश्चन तो लिखो पहले। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos a cos b cos c। हाँ, हो तो गया, ठीक है। हैंग हो गया लग रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं क्या आपको? सर एक बार सॉल्व करके दिखो ना। ठीक है, बोलो क्वेश्चन क्या था। cos a plus cos b plus cos c। आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर। तो शायद एक बार रिजॉइन करने से हो सकता है। नहीं, रुक जा यार। अभी सब दिख रहा है? हाँ, क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्वेश्चन क्या था बताओ। और साइन सी बाई टू, यही प्रूव करा था ना? ठीक है, तो कैसे किया गया बताइए। हेलो, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला। सीरियस, स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो? अरे सर, वो गलती से वहां पे हाथ रखा था। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू इतना कैसे करें बताओ। पहले इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दें तो क्या आएगा? 2 cos a plus b by 2 into cos, बोलो क्या आएगा? a minus b by 2, ये बात चमकती है? और plus cos c। Yes sir। ठीक है, तो अभी a plus b by 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 minus c by 2 into cos a minus b by 2 plus cos c, ये बात चमकती है? तो ये क्या बन जाएगा बताओ? साइन सी बाई टू, टू है और यहां पर कॉस ए माइनस बी बाई टू है, बोलो, है ना? अब मुझे बताओ क्या करूं मैं ताकि साइन सी बाई टू बाहर निकाल पाऊं? वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। ये क्वेश्चन उस दिन किया था क्या? टू साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू। अब बताओ क्या करें भाई, बोलो भाई क्या करें? साइन सी बाई टू को कॉस ए प्लस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, है ना? और इधर आ जाएगा आपका माइनस कॉस। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट कर दो ना, एक दो स्टेप मिस कर सकता हूं ना यार, इतना अलाउ करोगे मुझे तो? प्लस वन, है ना? तो अभी क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों को खोलोगे सीधा क्या बन जाएगा? बना सकते हो ना? करके दिखाऊं कि दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ,
अब दिख रहा है ना cos a माइनस b बाई टू क्या हो जाएगा, cos a बाई टू cos b बाई टू प्लस साइन a बाई टू साइन b बाई टू, और cos a प्लस b बाई टू क्या हो जाएगा, cos a बाई टू cos b बाई टू प्लस माइनस साइन a बाई टू साइन b बाई टू, तो क्या बन जाएगा ट्वाइस साइन a बाई टू एंड साइन बोलो भाई b बाई टू प्लस वन, यही है ना क्वेश्चन तो? हाँ सर। क्या सभी लोग को समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो जो मैं बोल रहा था, मैं क्या बोला, चलो अब मुझे बोला तो भूल गया मैं क्या बोल रहा था, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर ए वाला बोला था तभी लिख दिया, चल साइन स्क्वायर ए प्लस टू टाइम्स ट्वाइस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, चलो सॉल्व करो। कैसे करोगे, तुम्हारे पास तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला ही नहीं है तो कैसे करोगे बताओ तो? लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन पूछा था मैंने, शायद क्रिस्टीन से पूछा था, उसने कुछ तो बताया था करने को मुझे, किसी को याद है क्या? लास्ट क्लास में सेम मैंने पूछा था क्वेश्चन कि बेटा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला ही नहीं है, तो कुछ तो क्रिस्टीन बोली थी कि ऐसा कर दो सर। बढ़िया, तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दो, किसमें चेंज हो जाएगा, वन माइनस कॉस ए बाई टू में, साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस बी बाई टू, साइन स्क्वायर सी क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस सी बाई टू, चमकता है तो थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू क्या लिखा है बताओ तो, कॉस ए बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू प्लस cos c by 2, क्या ये बात चमकती है? माइनस cos 2a होना चाहिए ना? Sir, you are not audible.
हाँ यार, वन माइनस कॉस, वन माइनस क्या आएगा, कॉस टू सी बाई टू आएगा ना यार। हेलो, यस सर, ये थ्री बाई टू आ जाएगा, माइनस वन बाई टू आएगा, दिस इज कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी एंड प्लस कॉस टू सी। अगेन आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक आपको सिखाया है वापिस से वैसा ही क्वेश्चन बन गया ना। हेलो, यस सर, जो आपको सिखाया है वापस से वही क्वेश्चन बन गया ना, कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी वाला, बोलिए है ना कि नहीं। हाँ सर, क्लियर है क्या सभी को ये? इसके आगे सॉल्व करूं क्या? दिख रहा है ना कि वापस जो पहले सॉल्व किया वही वापस सॉल्व करना पड़ेगा, चमकता है। हेलो, यस सर, कॉपी करिए इसको। किसी को पूछना है क्या इसके आगे? सब लोग बोलो, सबको सबको चमक रहा है, इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे? नहीं सर, सर नहीं चमक रहा यार। यार ये नया क्वेश्चन बन गया ना, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c, ये तो कल हमने सॉल्व किया है ना, कि आज ही सॉल्व किया है। cos 2a plus cos 2b plus ये तो सॉल्व कर रखा है ना हमने पहले से ही। हां सर, वापस से cos c plus cos d लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, कॉपी करो पर इसको। कॉपी कर लिए? हाँ सर, यस सर। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, प्रूव दैट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल्स टू टेन ए टेन बी टेन सी। बताओ क्या लग रहा है, कैसे करेंगे? टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको लिखवाया था नहीं लिखवाया था? लिखाया था सर। क्या होता है बताओ? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। अरे दोस्तों ध्यान आ रहा है, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था ना मैंने, तीन चार बार ड्राइव किया था सर्विस को, ये फॉर्मूला समझ ही नहीं आ रहा था बार बार, याद आ रहा है? वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए टेन बी, माइनस टेन बी टेन सी, माइनस टेन सी टेन ए। बोलो ध्यान है? हाँ, ये था ना फॉर्मूला। अब भी क्या हो जाएगा, शायद ये क्वेश्चन भी कराया था क्या? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 180 है ना। यस सर। तो टेन 180 कितना होता है? डाल दो ए प्लस बी प्लस सी 180 डाल दो। टेन 180 कितना होता है? जीरो चल रहा है यार, टेन 180 जीरो होता है भाई, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? टेन ए प्लस बी प्लस सी माइनस, तो क्या हो गया बताओ, क्या प्रूव हो गया? अरे यार हो गया कि नहीं प्रूव यार? हो गया, वैल्यू कितनी हो गई बताओ? जीरो। अरे हो गया प्रूव, नहीं हुआ?
हाँ सर हो गया हो गया सर वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री को a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी और टेकिंग टैन को सेट किया हाँ वो भी सही है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 90 प्रूव दैट टैन ए टैन बी प्लस टैन बी टैन सी प्लस टेन सी टेन ए इज इक्वल टू वन ये सॉल्व करो सर इसमें कुछ आइडिया नहीं आ रहा क्या करेंगे सर स्टार्ट कैसे करेंगे इसमें सर ये सेकंड वाले में वैसे इसे पिछला किया है इसे पिछला किया है वैसे ही करो टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लिखो ना सर वो तो पता है बट इसमें तो टेन ए टेन कंफ्यूज लिखो तो पहले फॉर्मूला सर लिख लिया ठीक है फिर आ जाओ सर हो गया सॉल्व टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन ए टेन बी वन माइनस टेन सी टेन ए 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan C tan A. ठीक है हाँ बट इसके बाद ठीक है डाल दो ये प्लस 90 tan 90 क्या होता है not defined not defined not defined क्यों not defined क्यों नॉट डिफाइंड होता है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होता है ना टेन नाइनटी नॉट डिफाइंड क्यों है क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होता है टेन नाइनटी क्या होता है साइन नाइनटी बाई कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी है ना वो तो जीरो होता है ना ये तो जीरो होता है इसका मतलब जो टेन का फॉर्मूला है ये तो नॉट डिफाइंड हो गया इसका मतलब नाइनटी पर नॉट डिफाइंड है ना ये इसका मतलब नीचे में क्या बना है जीरो तो नीचे में जीरो बनाया मतलब क्या जीरो बनाया है वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए क्या बना है इसको जीरो बनना पड़ेगा ना तभी तो दिक्कत होगी अच्छा मेरे को ये स्टेप नहीं आया दिमाग ये समझ में आया क्या भाई टेन नाइनटी अनडिफाइंड है ना क्यों अनडिफाइंड है टेन नाइनटी में जीरो है तो फॉर्मूले का डिनोमिनेटर जीरो कर दो ये समझ में आया क्या कॉपी कर लिए यस सर एक मिनट अरे यार कर लो कॉपी डन सर क्लियर है क्या कॉपी हो गया
ठीक है चलो. इफ ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री फाइंड 1 प्लस टेन ए प्लस टेन बी फाइंड टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी. सॉल्व करो. Hence, find 1 plus 10 11, 1 plus 10 34 by 1 plus 10 26 degree में है सब कुछ. 1 plus 10 19 degree. Hence find मतलब दूसरा क्वेश्चन है. नहीं नहीं नहीं, पहले पहला वाला पार्ट निकाल लो वैल्यू और फिर दूसरे वाले पार्ट में hence मतलब उसको यूज करते हुए. देखो ना नीचे में कुछ दिमाग, 11 प्लस 34 कितना है, 45 है ना, एंड 26 प्लस 19 कितना है, हाउ मच इज 26 प्लस 19, इट इज आल्सो 45. सो फाइंड द फर्स्ट, फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट पार्ट ना, फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट पार्ट. हुआ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया. कैसे किया? अब a plus tan a plus b का फॉर्मूला. हाँ, वन है और ये क्या दिया हुआ है, tan a plus tan b upon वन minus tan a tan b. So how much, what happens, वन minus tan a tan b is equals to how much, tan a plus tan b. So, क्या आ गया वैल्यू बताओ, कितनी आ गई, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी, हाउ मच इज द वैल्यू, वन. ओके नाउ व्हाट, नाउ हाउ डू अप्लाई दिस इन ऊपर वाला. जस्ट एक्सपैंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ना, जस्ट एक्सपैंड इट. See what happens. What happens once you expand? Sir, वो one plus वो जो formula लिखा ना, tan a plus tan b plus tan a tan b वाला आ जाएगा. हाँ बढ़िया. Tan 34 and tan 11 tan 34 and divided by how much? 1 plus tan 26. Plus 10, 19, plus 10, 26, and 10, 19. Hai na? So what do you get? 1 plus 1 by 1 plus 1, which is how much? 2 by 2, which is how much? 1. Bolo, clear hai kya? Oh, 1 plus 1, wo sab nahi samjha. Kaun sa? Nahi kya na, 1 plus 1 upon 1. Arre, iski value 1 aa jayegi na? Upar wale jo ye diya hua hai, उसको यहां से और यहां से यूज करेंगे तो वन आ गया ना. टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी वैल्यू वन है. व्हेन ए प्लस बी इज 45 दैट आई यूज डायरेक्टली. क्लियर है क्या? हेलो क्लियर है? यस सर. कॉपी करो उसको. कॉपी कर लिए? यस सर.
इसका दिख नहीं रहा क्लियर। अरे मैंने पेज ही नहीं बदला है। cos pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 8 pi by 15 cos 16 pi by 15 pi by 15 2 pi by 15 4 pi by 15 cos 8 pi by 15। अरे ये भी गलती हो गया, ढंग से लिखते हैं। cos pi by 15 cos 2 pi by 15 cos 4 pi by 15 cos 8 pi by 15। सॉल्व करो। tan 6 डिग्री tan 42 डिग्री tan 66 डिग्री tan 78 डिग्री। सॉल्व करो। पहला वाला क्वेश्चन देख के लग रहा है क्लास ने बताया है मेथड। बोलो। हाँ सर। क्या मेथड है? सर वो एपी में है ना, एंगल्स एपी में। एपी नहीं 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 नहीं, एंगल्स एपी में कैसे है भाई? नहीं सर, ये वो है ना आपने वो 4 बाय 5 बाय वो वाला है, ऊपर नीचे डिवाइड करना है 2 साइन छोटा एंगल। हाँ, है क्या ये कोसाइन प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन द एंगल्स आर इन। हाँ चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। सर एपी के लिए प्लस यूज होगा ना हमेशा? हाँ तो इसमें जो क्वेश्चन ही हो तो क्वेश्चन में था ना समेशन ऑफ साइन और कोसाइन सीरीज, यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, क्वेश्चन ही डिफरेंट हो गया ना। ठीक है नेट चल रहा है ना? नहीं क्या करूं मैं, नेट कैसे हटता है? इस वाले रुपए सेकंड क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नहीं नहीं इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है रे। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्वेश्चन क्यों इनकम्प्लीट होगा? वैल्यू निकालनी है। पहले का वैल्यू कितना आया? माइनस वन बाय सिक्सटीन आया। हाँ माइनस वन बाय सिक्सटीन ही आएगा। हाँ सर माइनस वन बाय सिक्सटीन। कैसे करेंगे बताओ? पहला स्टेप मैं बार बार बता रहा हूँ, लोगों को ध्यान रखो ठीक है, एक बार नहीं 10 बार देखो वीडियो। टू साइन पाई बाय 15 साइन पाई बाय 15 क्या हो जाएगा? कॉस पाई बाय 15 इंटू कॉस 2 पाई बाय 15
कॉस 4 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15 बोलो यहां तक क्लियर है तो ये क्या बन जाएगा कोई तो बोलोगे ना यार क्या बन जाएगा हेलो यस सर आ रहा है आवाज हाँ तो ये तुम्हारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन साइन 2 पाई बाय 15 ना यस सर साइन 2 पाई बाय 15 दिस इज कॉस 2 पाई बाय 15 फिर से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर इनटू 2 किया सब लोग ध्यान दो एक बार में नहीं समझ में आती है चीजें ठीक है इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चन 2-3 लगातार क्लास कराते रहता हूँ क्या हो जाएगा ये बताओ क्या बन जाएगा 4 साइन पाई बाय 15 डिनोमिनेटर में साइन 4 पाई बाय 15 बन गया है ना और यहाँ पे क्या है कॉस 4 पाई बाय 15 समझ में आ रहा है क्या वापस से 2 दिया वापस से 2 दिया तो ये क्या बन जाएगा वापस से साइन 8 पाई बाय 15 कॉस 8 पाई बाय 15 है ना एक और 2 दिए और यहां पर एक और 2 दे दिया चमक रहा है क्या हाँ सर तो अभी ये क्या बन जाएगा बोलो बोलो साइन 16 पाई बाय 15 और नीचे में 1/16 साइन पाई बाय 15 अभी अब तो इतने जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं थोड़ा तो थोड़ी तो फील आई होगी कि 16 पाई बाय 15 जो है उसको क्या लिख सकते हैं 192 डिग्री पाई प्लस पाई बाय 15 है ना और 1/16 साइन पाई बाय 15 अरे बताओ भाई है ना अभी साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा एक्चुअली ना आई वुड लव कि सब लोग इंटरेक्ट कर पाए मतलब बहुत लोग चुप रहते हैं ये आ जाएगा कितना आंसर आएगा माइनस 1/16 क्लियर है क्या अच्छे से सर इसका कुछ एक सर जनरल फॉर्मूला नहीं बन सकता हमेशा नहीं भाई नहीं भाई प्लीज फॉर्मूला में मत पढ़ाना मुझे यार ठीक है ये बताओ ये वाला थर्ड वाला सेकंड वाला ये कुछ देख के फील आ रही है कि किस टाइप का क्वेश्चन नहीं है एंगल्स को ऑब्जर्व करो कुछ फील आएगी कुछ दिख रहा है क्या A60 प्लस A60 माइनस हाँ कुछ तो वैसा है ना तो लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो जो चाहिए वो दे दो ऊपर में देखो क्या होता है अच्छा आप लोग ये सुधांशु सर वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्या नो सर नहीं सर सर बोलते जो भी है वो मतलब अभी क्या अभी करो सर बट भाई इंसान है ना भूल तो जाएंगे अरे वो कहते हैं कि अभी अभी के अभी पूछ लो या अभी फिर अभी पूछ लो क्लियर करो अरे मैं भूल जाऊंगा मैं भूल गया कल फॉर्मूला फिर क्या चलो ठीक है मैं सबसे बात वो ने बोला व्हाट्सएप पे पूछो व्हाट्सएप पे जल्दी ऑनलाइन आते नहीं नोट से पढ़ने के लिए बोलते नहीं तो नोट से पढ़ना चाहिए बट अच्छी सुविधा है ना अभी तो हम लोग भी कहाँ क्लास में रिकॉर्डिंग करते थे यार अभी जब नवंबर से ऑफलाइन शुरू होगा तो हम लोगों ने लगा दिया है सेंटर प्रोजेक्टर लगा दिया है अब रिकॉर्ड करेंगे अच्छा है ना बहुत अच्छा है ना यार कि मान लो क्लास में आप भूल गए कुछ कई मन मान लो डाइवर्ट कर गया आप घर जाके वापस सुन सकते हो ना बहुत अच्छी बात है नवंबर से ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएंगे मुझे अभी 99% श्योर हूं मैं शुरू हो जाएंगे कुछ नहीं होगा मतलब शांति से पढ़ने मिलेगा क्लास का शायद स्ट्रेंथ कम करके अलाउ कर देता अपन वैसे कर लेंगे एक एक बेंच पे एक बच्चा बैठा के क्रिस क्रॉस वैसे क्लास शुरू कर लेंगे क्लास का ड्यूरेशन कम करके अपन एक एक क्रिस क्रॉस करा बैठा देंगे अच्छा रहेगा वो मोस्टली देखते हैं क्या होता है हाँ सर चलेगा सर कैसे भी बैठाओ चलो बताओ सॉल्व तो करो पहले इसको ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा ये आपको ही सॉल्व करना है सॉल्व करिए सोचिए ना क्या चाहिए आपको क्या लगेगा tan 18 और tan 54 चाहिए
क्वेश्चन क्या था, टेन नहीं चाहिए वे, कट जाएगा सब। हाँ हाँ जो चाहिए, हाँ सही बोले, वो तुम सही बोले, वो थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए देखो, ऊपर में सिक्स है ना, देखो ऊपर में सिक्स है ना और यहाँ पे 66 है ना, तो कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, वो फॉर्मूला जो था अपना 10 वाला 60 वाला वो लगाने के लिए क्या मिसिंग है ऊपर में बताओ, 1054 दे दो, क्यों हाथ रोके हो, दे दो, तो देते ही क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना, तो ले लो। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, 1018 तो दे दो, अभी क्या करना पड़ेगा, ले लो, अब बताओ, नाउ टेल मी, ये क्या बन जाएगा, 1018 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1054, और ये क्या बन जाएगा बताओ वापस से, 1054, और ये क्या बन जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। क्या भाई क्लियर है, yes. कॉपी कर लें बाकी लोग जिनको क्लियर नहीं है, सॉरी। कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। सर इस आंसर का क्वेश्चन दिखा ना, मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही था, ये जो लिखा था ना इसका वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड दी वैल्यू, ये ऐसा लिखा हुआ था। ओके सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। ये सॉल्व करो, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू पाई बाई एन, कॉस अल्फा प्लस फोर पाई बाई एन, कॉस अल्फा प्लस टू इंटू एन माइनस वन पाई बाई एन। सॉल्व करो, एंगल्स एपी में है कि किसमें, एंगल्स एपी में है कि नहीं है? एंगल्स एपी में है ना भाई, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या है, टू पाई बाई एन, टू पाई बाई एन, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, अरे सब लोग भूल गए, क्या हो गया बताओ तो भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, साइन पाई बाय एन, टू साइन पाई बाय एन, टू साइन पाई बाय एन, पाई बाय एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे है ना,
करो पेशेंस के साथ 10 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तमीज से, बिल्कुल आराम से स्लोली सॉल्व करो, स्टेप वाइज 5-6-10 स्टेप में लिखो, बनेगा। About a kilometer and a
सर माइनस वन आया माइनस वन नहीं आएगा कॉस पाई मालूम है ना कितना होता है कॉस पाई कितना होता है बोलो ही मत तो मैं क्या बोलूंगा बोलो कॉस पाई कितना होता है बताओ हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या यस सर हाँ तो जिसने ये बोला था माइनस वन तो कॉस पाई कितना आया आंसर बताओ कितना आया हुआ किसी का सॉल्व किसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ टू साइन पाई बाय एन टू साइन पाई बाय एन टू साइन पाई बाय एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या हो जाएगा बताओ अभी हर टर्म को दे देते हैं अपन तो क्या हो जाएगा बोलो टू साइन पाई बाय एन कॉस अल्फा बिल्कुल बिंदास लिखने का अगला क्या होएगा टू साइन पाई बाय एन कॉस अल्फा प्लस टू पाई बाय एन चमक रहा है ना बिल्कुल साफ साफ दस स्टेप में लिखो लेकिन आंसर एक बार में सही आना चाहिए कॉस अल्फा प्लस फोर पाई बाय एन चमक रहा है टू साइन पाई बाय एन से क्यों किया ये तुम बताओ मैंने लिखवाया था ना जब भी साइन को साइन सीरीज का सम निकालना होता है तो ट्वाइस द साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय टू से करते हैं ना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है टू पाई बाय एन है उसका आधा कितना होगा पाई बाय एन होगा ना सर जीरो है देखते हैं हाँ जीरो है बताओ जो पूछ रहा हूँ बताया था नहीं बताया था पहले तो बताओ बताया था अरे भाई साइन एंड कोसाइन सीरीज के समेशन के सीरीज का आंसर मैंने बताया था ना आपको कैसे करते हैं ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं अब बताओ इसका वैल्यू कितना होगा बोलो लिखवाया था मैंने क्लास में टू साइन पाई बाई एन कॉस अल्फा बोलो इसका वैल्यू टू साइन ए कॉस बी लगाओ बोलो कितना आता है मैं ही सॉल्व कर दूं फिर तो टू साइन ए कॉस बी कितना होता है बोलो अरे कोई तो बोलो टू साइन ए कॉस बी कितना होता है कॉस ए कॉस साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना होगा साइन ए प्लस बी बोलो कितना होगा यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन पाई बाई एन प्लस अल्फा प्लस साइन बोलो पाई बाई एन माइनस अल्फा ये बात चमकती है क्या हाँ सर मैं क्या ही बोलूं तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ माइनस साइन अल्फा माइनस पाई बाय एन लिख दिया इसको ऐसे नेक्स्ट टर्म बताओ क्या बन जाएगा टू साइन पाई बाय एन कॉस ऑफ अल्फा प्लस टू पाई बाय एन बताओ क्या बन जाएगा ये क्या होगा बोलो साइन अल्फा प्लस प्लस टू पाई बाय एन थ्री पाई बाय एन ना और माइनस साइन अल्फा प्लस क्या हुआ मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आ रही है सर ये देखो चमका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लगाया जा रहा हूं मैं ठीक है आई होप समझ में आ रहा है यार टू साइन नहीं समझ में आ रहा है खुद से दस बारह टर्म लिखो ना यार खुद से लिखोगे तो ही समझ में आएगा मैं कितना भी समझा रहा हूं चलो बताओ इसमें क्या आएगा बोलो साइन जोड़ना पड़ेगा कितना आएगा अल्फा प्लस लिखो खुद से लिख के देखो माइनस साइन कितना आ जाएगा बोलो अल्फा प्लस थ्री पाई तुम लोग को सेकेंड टर्म समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं और माइनस साइन बाहर आ जा रहा है ना तो ऐसे ही होते होते लास्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा बताओ हाँ बोलो लास्ट टर्म क्या बन जाएगा
बोलो साइन अल्फा प्लस हाँ जोड़ो 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 लिख दो ना नहीं नहीं, नहीं समझ में आ लिख दो क्या दिक्कत है टू एन माइनस वन पाई बाई एन प्लस तुम्हारे पास कॉपी पेन दिया हुआ है ना तुमको नहीं दिया हुआ है घर में पेरेंट्स ने निकालो उसको लिखो चलाओ उस पे कॉपी पेन माइनस यहाँ पे क्या आएगा बताओ अल्फा प्लस क्या बन जाएगा यहाँ बताओ टू इंटू एन माइनस वन पाई बाई एन और माइनस पाई बाई एन चमक रहा है ना वैसे भी सब कुछ कट ही रहा है तो मैं लिखने की झंझट करूंगा समझ में आया क्या यहाँ तक ठीक है तो क्या बन गया जोड़ने पे बताओ जरा इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या है अल्फा प्लस टू पाई माइनस टू पाई बाई एन तो प्लस पाई बाई एन ये बात देखो सही लिखी है क्या मैंने इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसा लिखा है देखो तो सही लिखा है क्या गलत लिखा है माइनस आएगा ना ये माइनस है अरे ये क्लियर है क्या और यहां पर क्या बच गया ऊपर में माइनस साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन ये बात चमक रही है क्या सभी को Yes, sir. अब बताओ साइन टू पाई है और इसको पूरे को थीटा पकड़ लेते हैं साइन टू पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है साइन टू पाई प्लस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है ना क्या बन जाएगा ये साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन माइनस साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन ये बात चमकती है तो अपना आंसर कितना आ जाएगा फाइनल आंसर डिवाइड बाई रुक जाओ डिवाइड बाई साइन पाई बाई एन है ना जो ऊपर का टर्म है थोड़ा इस पे और खेलो थोड़ा इस पे और खेलो तो क्या बन जा रहा है देखो तो साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन माइनस साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन ठीक है तो क्या बन जाएगा बताओ कुछ बन रहा है क्या अच्छा सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ रहा साइन सी माइनस साइन डी लगाओ 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 तो लगाना ही क्या है वैल्यू जीरो हो गई ना यार ये और ये एंगल बराबर है ना सीधा वैल्यू क्या कट गई ना वैल्यू कितनी आ गई जीरो आ गई ना नहीं समझा अच्छा अभी किस ये क्वेश्चन समझ में किसको नहीं आया बताओ मुझे क्या समझ नहीं आ रहा बोलो इसमें जिसको समझ में नहीं समझा चलो कोई बात नहीं वापस समझ लेते हैं देखो क्या है ध्यान दो ये कॉस की सीरीज है यस सर इसका एंगल किसमें है एपी तो क्या करना होता है ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है ठीक है अगर साइन है कोसाइन का सीरीज एपी में होता है तो क्या करना होता है ट्वाइस साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है ना बताया था ना ये तो हाँ सर बताया था तो किया मैंने तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे टू साइन पाई बाय एन कॉमन डिफरेंस क्या है पाई बाई एन नहीं है कॉमन डिफरेंस कितना एंगल्स का टू पाई बाई एन तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे होगा टू साइन पाई बाई एन से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा ये बात समझ में आती है यस सर अब देखो तो टू साइन पाई बाई एन और तुम ध्यान दो अभी यहां पर तो अगर तुम ध्यान दो यहां पर तो यू हैव वन गुड थिंग हियर कि ये देखो यहां पर वन सेकेंड सो यू सी दिस अरे क्या है मैं नॉर्मल ड्रॉ की बात कर रहा हूँ ना यार तो नॉर्मल हैंड ड्रॉइंग नहीं हो पा रही है इसमें ये देखो तो फिर से ज्वाइन हो गया फ्री हैंड ड्राइंग तो नहीं हो रही है मैंने हाँ ये देखो तो ये जो एंगल है तुम्हारा दिख रहा है टू साइन पाई बाई एन कॉस अल्फा
तो उस पर मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया, टू साइन ए साइन बी लगा दिया, टू साइन ए कॉस बी लगा दिया, ठीक है। टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी कितना होता है बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस ए साइन ए माइनस बी। हाँ, तो क्या बन जाएगा, पाई बाई एन प्लस अल्फा प्लस पाई बाई एन माइनस अल्फा, है ना। तो जो पाई बाई एन माइनस अल्फा बना है ना यहाँ पर, मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो माइनस साइन बाहर निकाल के मैंने उसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया, माइनस साइन बाहर निकाल के, ये बात चमकती है। सिमिलरली इस वाले को देखो ध्यान से, ठीक है, तो वापस से वो क्या बन गया, ये बन जाएगा ना, लगाओगे तो, है ना, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। तो ऐसे करते करते अपने पास क्या दिख रहा है, देखो ये और ये कट रहा है, ये और ये कट रहा है, चमक रहा है, ऐसे ये भी किसी से कट जाएगा और ऐसे ही ये वाला इससे कट जाएगा, इतना क्लियर है। तो अभी आपके फाइनली क्या बचा, अभी आप लोग के पास फाइनली क्या बचा बताओ, माइनस साइन अल्फा, ये बचा साइन अल्फा, ये वाला बचा, है ना, और कौन सा बचा, ये बचा, ये बात चमकती है। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, दिख रहा है, है ना। अब मैं क्या बोला, अब मैं क्या बोला कि यहां पे क्या लिखा है, टू पाई। अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर टू पाई लिखा हुआ है ना, ये है ना, और टू पाई के साथ एंगल क्या लिखा हुआ है, अल्फा माइनस पाई बाई एन, ठीक है। अपने को मालूम है ना कि साइन ऑफ, अपने को क्या मालूम है कि साइन ऑफ टू पाई बाई, अगर साइन के अंदर में तुम्हारा लिखा होता है कोई चीज, ठीक है, तो क्या बन जाता है, साइन थीटा, साइन टू पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा होता है, मैंने वही साइन थीटा लगा दिया है यहां पर, है ना। अब देखो क्या हो गया, तो फिर ये एंगल जो है अल्फा माइनस पाई बाई एन ही बन गया ना वापस से, और ये एंगल क्या बन गया, अल्फा माइनस पाई बाई एन, दोनों सेम साइन है ना, डिनोमिनेटर को भी उससे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या चीज, क्या चीज, जो सेकंड लास्ट स्टेप है ना, उसमें जो आपने न्यूमरेटर में लिखा वो आपने डिनोमिनेटर में फिर से क्यों लिखा, नहीं कहां लिखा, मैंने अगर यहां पर कोई चीज से मल्टीप्लाई किया है तो वो चीज से डिवाइड करूंगा ना मैं यहाँ पर, यस सर, ये हाँ, तो मैं तो बस अभी जो यहाँ पर जो आपको लिख के दिखाया ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये बस जो ऊपर का टू साइन पाई बाय एन है उसको मैं अंदर ले गया हूं ना, तो अभी भी क्वेश्चन में नीचे में तो टू साइन पाई बाय एन है ही है, इसलिए मैंने लिखा ना कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जो भी ये सीरीज का सम आया है और नीचे में ये आपका बचा हुआ है ना अभी तक, हेलो, हाँ सर समझा, हाँ। मुझे लगा जो आपने सेकंड रेड सर्कल है ना वो डिनोमिनेटर में लिखा है, नहीं नहीं ये जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये कहां से आई है सर, वो समझो, ऊपर से डिफरेंस, ये ऊपर से आई है ना, ये बात क्लियर है क्या अच्छे से, यस सर, सबको क्लियर है क्या, यस सर, यस सर, हाँ सर, कल तुम लोग की क्लास है क्या शाम को, नहीं सर, तो फिजिक्स का है, कल टाइम तो देखो तुम्हारा क्लास है क्या, अरे फाइनल आंसर जीरो आएगा, हाँ ऊपर और नीचे सेम, ऊपर में देखो ना सेम एंगल बन गया ना अल्फा माइनस पाई बाई एन, और दूसरा वाला भी क्या बन गया, माइनस साइन अल्फा माइनस पाई बाई एन ना, हाँ सर समझ गया, बस टाइम तो देखो कल क्लास है क्या तुम लोग की, तो फिजिक्स है, कल क्या है, फिजिक्स है, ठीक है, मैं ये करता हूँ कल शाम को ना एक लेक्चर लगा लें क्या, रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए, चलेगा सर, सर लॉक के लिए, चलेगा, हाँ तो अपन कल एक 7:30 के आसपास, 7:45 के आसपास एक लेक्चर लगा लेते हैं रिवीजन के लिए, लॉग के रिवीजन के लिए, ठीक है, हेलो, कितने बजे बेटा, एक मिनट बोलने दो ना, क्या बोल रही है बच्ची, वो क्या बोल रही है सर, आप 8:30 के बाद रख सकते हो,
तुम क्या हो गया शाम को, दो घंटे क्या कर रही हो तुम? सर सुबह की बात कर रहे हैं। कल फिजिक्स का लेक्चर कितने बजे है? शाम को। हाँ तो मैं फिजिक्स की कंटिन्यूशन में कह रहा हूँ, आप क्या सुबह रखने को कह रहे हो? अच्छा सॉरी सर। नहीं सर सुबह नहीं। ठीक है हाँ सर चलेगा। ठीक है तो अभी आप लोग का जो होम, आप लोग का सीट जो है ना, सीट का अपना एक्सरसाइज वन खत्म कर लीजिए। आपको एफएम की सीट मिली है नहीं मिली है? तो कौन सी सर? मैथ्स की फर्स्ट सीट मिली है नहीं मिली है? फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की? नो सर मिली है सर। जो भी है मैं अभी आपको ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ सीट। ठीक है हाँ सर। चलो ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय।